हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएससी मैथमेटिक्स के एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम इसमें पढ़ रहे थे। ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। सॉल्व वाई माइनस एक्स डीवाई अपॉन डीएक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस डीवाई अपॉन डीएक्स। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर पाएंगे, तो दोनों मेथड हम इसमें पढ़ेंगे कि दोनों मेथड से किस किस तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, dy अपॉन dx वाले टर्म को एक साथ लिखना है। तो इसको हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स dy अपॉन dx, और इस टर्म को इधर लाए तो माइनस ए वाई स्क्वायर प्लस, और ये हो गया हमारे पास ए dy अपॉन dx, माइनस का साइन यहां पे इक्वल टू जीरो। अब डीवाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लें तो ये जाएगा y माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस, और ये हो गया एक्स। अब माइनस के साइन के साथ कॉमन ले लें तो x प्लस ए डीवाई अपॉन डी एक्स, या इस इक्वल टू जीरो, या इस टर्म को इस साइड पहुंचा दें तो यहां से ये टर्म इक्वल टू हो जाएगी, या x प्लस ए डीवाई अपॉन डी एक्स। अब फिर इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं हमारे पास। पहले हम फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं, फर्स्ट मेथड जिसमें हम सिंपली ये हमारे पास सेपरेट है क्योंकि y के टर्म एक साइड है और x की साइड एक साइड, एक टर्म एक साइड है। तो इस कंडीशन में हम उनको किस तरह से लिख सकते हैं, सपोज y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर को इधर डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, और इसको dx को इधर ले जाएंगे तो dx और dx वाली टर्म जो है वो नीचे इधर आ जाएगी, ये हो जाएगा एक्स प्लस ए इक्वल टू, और इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो y कॉमन लेके 1 माइनस ए वाई, इस टर्म को इस तरह लिख सकते हैं, और ये dy। अब ये हो गया, अब यहाँ को इसको इस क्वेश्चन को पार्शियल फैक्टर की हेल्प से चेंज करेंगे, यानी पार्शियल फैक्टर की हेल्प से किस तरह चेंज करेंगे, 1 अपॉन y 1 माइनस ए वाई इक्वल टू ए अपॉन y प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए वाई, ये एज्यूम करके और a और b की वैल्यू हम निकालेंगे। तो मैं यहां डायरेक्टली लिख देता हूं, वैल्यूज क्या आएंगी, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए इक्वल टू सपोज यहाँ पे वाई एंड वन माइनस ए वाई, यहाँ ए माइनस वन। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वन माइनस ए वाई और वन माइनस ए वाई इधर होगा, और जब ये इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं, तो वन माइनस ए वाई यहाँ पे, और हाँ अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं, वन वाई वन माइनस ए वाई, तो वन माइनस ए वाई यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से प्लस ए वाई, तो यहाँ से ए वाई कट जाएगा और ये इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगे, यानी कि हमने जो फैक्टर लिखे हैं ये सही लिखे हैं, ये हो गया एन डी वाई। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, सो इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेट करने पर ये तो हो जाएगा हमारे पास लॉग एक्स प्लस ए, ये हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन वाई का लॉग वाई, और इसका करेंगे माइनस वन अपॉन ए वाई का, तो माइनस लॉग वन माइनस ए वाई, क्योंकि वन माइनस ए वाई बराबर हम टी मानेंगे, वन माइनस ए वाई बराबर टी मानेंगे, तो ए ऑफ डी वाई बराबर माइनस ऑफ डी टी आ जाएगा। तो फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अब ये आ चुका है, तो प्लस log c, तो ये हो गया हमारे पास log x प्लस ए इक्वल टू log y माइनस वन माइनस ए वाई प्लस log c। अब ये आ चुका है हमारे पास, तो इस टर्म को log वाले टर्म को इधर ले जा रहे हैं और c को कॉन्स्टेंट को अकेला छोड़ रहे हैं, तो यहां से ही हो जाएगा हमारे पास log x प्लस ए अपॉन y, और यहां पे 1 माइनस ए वाई इक्वल टू लॉग सी, यानी हमने क्या किया, इसको इधर ले गए तो ये log सपोज ये m है, माइनस log n वाली टर्म आ जाएगी, तो log m माइनस log n वाली जो टर्म है उसको log m अपॉन n लिख सकते हैं, तो ये हमने यहां पे पुट कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम दोनों तरफ एंटी log ले लें, दोनों तरफ एंटी log लेंगे तो हमारे पास यहां से लॉग हट जाएगा दोनों तरफ से, तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा
दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया तो हमारे पास आ गया एक्स प्लस ए अपॉन वाई और वन माइनस ए वाई इक्वल टू सी। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए का डिवाइड कर दे तो हो जाएगा वन माइनस ए वाई अपॉन वाई इक्वल टू सी अपॉन एक्स प्लस ए, इसका इधर डिवाइड कर दिया। अब अगर वाई को हम अलग अलग डिवाइड कर ले तो ये हो जाएगा वन अपॉन वाई माइनस ए वन अपॉन वाई माइनस ए इक्वल टू सी अपॉन एक्स प्लस ए। और इस ए को उस साइड ले जाएंगे तो ये यहाँ पे सम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, इसको लिख सकते हैं सी प्लस एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा एक्स ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए। अब सी एन और ए स्क्वायर दोनों कॉन्स्टेंट है, ए भी कॉन्स्टेंट था हमारे पास कुछ यहाँ पे, और सी और ए स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट था, इसको अलग अलग कॉन्स्टेंट दे सकते हैं। ये हो गया वन अपॉन वाई इक्वल टू, इसको अलग कॉन्स्टेंट दे रहे सबको बी प्लस एक्स ए अपॉन, ये हो गया हमारे पास एक्स प्लस ए। या यहां से अगर हम वाई की वैल्यू निकालना चाहें तो वाई बराबर आ जाएगा एक्स प्लस ए अपॉन बी प्लस एक्स ए। तो इस तरह से ये यहां से हमारे पास वाई की वैल्यू आ चुकी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहां से हमारे पास वाई की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें इसको क्या करना है, दूसरे मेथड से सॉल्व करना है। यहां से हम लिख लेते हैं कि वाई बराबर क्या है इस मेथड से, इस मेथड से आया एक्स प्लस ए अपॉन बी प्लस एक्स ए, ये हमारे पास सॉल्व वैल्यू आई थी इसकी। अब इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, तो दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो हम देखेंगे। दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो सिंपली दूसरे मेथड के लिए पहले की तरह हमें डीवाई की टर्म को एक साथ लिखना होगा y माइनस ए वाई, और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया ए वाई स्क्वायर है, ये हो गया हमारे पास इक्वल टू जीरो। अब फिर इस इक्वेशन में अगर हम y स्क्वायर का डिवाइड कर लें तो y स्क्वायर का डिवाइड करने पे हो जाएगा वन अपॉन y माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए, और ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स और वाई स्क्वायर नीचे डिवाइड हो गया। अब ये हो गया हमारे पास, अब हम क्या कर रहे हैं ए वाली टर्म को उधर ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया माइनस एक्स अपॉन ए वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो गया प्लस वन अपॉन वाई इक्वल टू इसको उधर ले गए तो ए, ये हो गया हमारे पास। अब यहां पे हम सपोज लेट वन अपॉन वाई बराबर बी, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी बी, यानी अगर इसमें हम देखें तो माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए को छोड़ के और डी वाई, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई की जगह डी बी अपॉन डी एक्स प्लस, ये क्या हमारे पास वी इक्वल टू ए, ये हो गया। अब फिर जब ये वैल्यू आ चुकी तो अब हमें एक्स माइनस सॉरी ए एक्स प्लस ए है एक्स प्लस ए है एक्स प्लस ए का अगर हम डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो ये हो जाएगा हमारे पास डी बी अपॉन डी एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये हो गया हमारे पास। अब यहां से इसको इंटीग्रेटिव फैक्टर बनाए, इसके इंटीग्रेटिव फैक्टर किस तरह से बनाए जा सकते हैं, हेंस इंटीग्रेटिव फैक्टर फर्स्ट ऑर्डर की में और सेकंड ऑर्डर की में किस तरह से निकालते हैं। सेकंड ऑर्डर वाले भी मैंने एग्जांपल सॉल्व किए हैं जिनमें सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसमें इंटीग्रेटिव फैक्टर किस तरह से निकाल रहे हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है वो देख सकते हो आप। इसमें हम इंटीग्रेटिव फैक्टर सिंपली ई टू दी पावर पी डॉट डी एक्स वाले फॉर्मूले से, यानी ई टू दी पावर पी क्या है यहाँ पे वन अपॉन एक्स प्लस ए, तो वन अपॉन एक्स प्लस ए
ऑफ डी एक्स इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर लॉग एक्स प्लस ए इक्वल टू एक्स प्लस ए, ये हो गया। तो हमारे पास यहां से आ गया हमारे पास अब सॉल्यूशन लिखना चाहिए, तो वाई डॉट एक्स प्लस ए, सॉरी वाई ने वी वी डॉट जो फैक्टर है हमने चेंज कर लिया, तो वी ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल है चेंज करें, वी एक्स प्लस ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड यानी ए अपॉन एक्स प्लस ए डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स प्लस ए ऑफ डी एक्स। तो यहां से हमारे पास एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कट जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास वी एक्स प्लस ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए तो बाहर ले सकते हो डी एक्स, तो इंटीग्रेशन कर दे तो हमारे पास ये आ जाएगा वी वी एक्स प्लस ए इक्वल टू ए एक्स प्लस सी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ओनली एक्स होगा, कॉन्स्टेंट को इस टर्म जो सी है वो हमने एड कर दिया। तो अब यहां से अगर v की वैल्यू बात करें तो v क्या है हमारे पास 1 अपॉन y, तो 1 अपॉन y x प्लस a इक्वल टू ए एक्स प्लस सी, ये है हमारे पास। अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो y की वैल्यू उधर जाएगी, तो हो जाएगा हमारे पास और ये नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस a अपॉन ए एक्स प्लस सी इक्वल टू y, ये। अब फ्रेंड्स ये सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन को हम कंपेयर करें तो x प्लस a एक्स ए प्लस बी और प्लस सी, यानी जो बी जो था हमने वहां पर भी ये कॉन्स्टेंट माना था, वहां पे जो कॉन्स्टेंट था वो था हमारे पास कुछ ए प्लस बी सॉरी सी प्लस ए स्क्वायर कुछ इस तरह का कॉन्स्टेंट था, मुझे अभी याद नहीं है वो आप देख सकते हो वीडियो को रिवाइज करके, कुछ इस तरह का कॉन्स्टेंट था बेसिकली, वो था कॉन्स्टेंट क्योंकि उसमें सी एड हो रहा था, तो वो भी एक कॉन्स्टेंट था और यहाँ पे सी भी एक कॉन्स्टेंट है। तो इस तरह से हमारे पास जो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आए वो सेम आए हैं, सिर्फ डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट का। तो कॉन्स्टेंट तो हम कुछ भी ले सकते हैं, सेम कॉन्स्टेंट ले सकते हैं, अलग कॉन्स्टेंट ले सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड दो थे, सॉल्यूशन एक आया है। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।